ऑर्गेनाइजेशन हमारी 94 की रजिस्टर्ड है और 28 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 29 इयर्स रनिंग में है। और करीबन हम लोग बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ, कॉर्पोरेट के साथ काम कर चुके हैं, करते रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है या कहेंगे आर मिशन और आर विजन, बी ए प्रमोटर ऑफ डिग्निटी टुडे एंड टुमारो, एंड आर विजन इज कम्प्लीट कम्पेयर्ड विद गॉड्स लव, वी ड्यूटी बाउंड टू एम्पावर कम्युनिटीज एंड सर्व नेशन। ये कुछ स्टेट्स में हमारा 22 राज्यों का अनुभव है काम करने का, और अलग अलग कैटेगरीज में हमने काम किया है इंडिया में। और करीबन अभी भी हम लोग 16 स्टेट्स में काम कर रहे हैं करंटली। कुछ एक्टिविटीज हैं जो, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अब कंटिन्यू रन कर रहे हैं। नाइट शेल्टर्स में जैसे मैंने बताया था इंडिया में हम नंबर 1 है, 70+ शेल्टर्स हम लोग रन कर रहे हैं पूरे पैन इंडिया में। महिला पंचायत नाम है, एनजी का नाम है, लेकिन ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए लीगल सर्विस है, कुछ और चीज़ें हैं, जॉब्स के लिए, सबके लिए हम लोग हेल्प करते हैं। हॉस्पिटल्स की हेल्प चाहिए या पुलिस की या कोर्ट की कोई मदद चाहिए उसके लिए हम लोग काम करते हैं। टीबी डॉट्स प्रोग्राम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सर्विसेज, तो ये डॉट्स का टीबी पेशेंटों के लिए हम लोग काम करते हैं और करीबन 4000 से ऊपर टीबी पेशेंट हम ठीक कर चुके हैं। और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू है, अभी भी हम आसाम, त्रिपुरा और सिक्किम में काम कर रहे हैं और दिल्ली में काम कर रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग हम देते हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर या SMO स्विंग मशीन ऑपरेटर्स, और अकाउंट्स के बारे में भी, सब चीज़ों के बारे में हमारा ट्रेनिंग कंटिन्यू चलता रहता है और प्लेसमेंट भी होती रहती है। पोस्टेक ट्रेनिंग मैं इसका बता देता हूँ, फसाई के हम लोग ट्रेनिंग पार्टनर हैं 2016 से। जितने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी फूड से रिलेटेड है, उन सबको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं फूड सेफ्टी और हाइजीन की। और करीबन जो है 35,000 लोगों को पैन इंडिया में ट्रेन हम कर चुके हैं। फ्री मेडिकल कैंप्स, ये मेडिकल कैंप्स अक्सर हम लोग हर जगह कभी ना कभी एम्स के साथ मिलके, मौलाना आजाद के साथ मिलके, या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ मिलके हम टाइप करके फ्री कैंप करते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले मैक्स और मैक्स के साथ और फोर्टिस के साथ हेल्थ कैंप किए थे, तो करीबन 1200 होमलेस ने उसका बेनिफिट लिया था। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से मिले हुए हैं और अदर कॉर्पोरेट की तरफ से हैं। नाइट शेल्टर होमलेस, ये रेस्क्यू पिक्चर है हमारा, रेस्क्यू करने का तरीका है। पहले ये झारखंड का है ना, झारखंड में हम अवेयरनेस देते हैं, कैसे देते हैं बताना, जाके बोलना कहना। और ये आप देख ही रहे हैं पोस्टर के माध्यम से और बातचीत के माध्यम से भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं। ये व्हीकल्स हैं हमारे जो यूज करते हैं हम लोग, रात के समय ज़्यादा हमें लोग मिलते हैं, खास करके विंटर के टाइम में बहुत लोग मिलते हैं जो हम रेस्क्यू करते हैं। आप देख ही रहे हैं जब तक इंट्रैक्शन, कई बार ऐसा होता है कि फीमेल को भी हमें होमलेस मिलती है लेकिन उनको लेके आना करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ती है उसके लिए। और कितनी बार ऐसा होता है हम लाते हैं, 2 दिन रखते हैं, कई बार डेथ हो जाती है, जहाँ बार बार मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है बात करने के लिए, क्योंकि मोर्चरी में बड़ी होती है, कहाँ से उठाया, कैसे उठाया, जज पूछते हैं, हमें बताना पड़ता है। ये कुछ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये जो आप स्किल ट्रेनिंग का देख रहे हैं प्रोग्राम, ये वाला, ये बैगर्स हैं, 27 बैगर्स को हमने आइडेंटिफाई किया था, 600 का हमने सर्वे किया था, 27 हमें मिले जो चेंज करना चाहते थे अपने आप को, और उन्होंने ट्रेनिंग ली और 25 दे आर वर्किंग इन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ट्रेनिंग्स हैं, फोटो देख रहे हैं आप लोग। ये कुसुमपुर पहाड़ी एरिया है बसंत कुंज का, जहाँ पर है हम लोग, वहाँ पे हमने ONGC के लिए स्किल ट्रेनिंग करी थी और करीबन 200 जो स्लम के बच्चे थे उनको ट्रेन किया था, तो उसमें से करीबन 112 लोग काम जॉब कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, फूड का है, मैं पहले पूछता रहा था लेकिन कई बार मैंने अपने आस्क में कहा है फूड के लिए भी, तो होमलेस के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। और करीबन इस समय डेली के अंदर ही हमारे करीबन 3,000 होमलेस को हम लोग कवर कर रहे हैं 49 शेल्टर्स में। ये मुंबई
का है, ये जो देख रहे हैं आप लोग मेंटली चैलेंज फिजिकल चैलेंज वाला शेल्टर है हमारे पास वसई विरार में, जहाँ रन कर रहे हैं 75 लोग हैं वहाँ पर जो इस समय रह रहे हैं, आप देख सकते हो फोटो से। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डोनर्स आते रहते हैं, उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देते रहते हैं, मिलते रहते हैं, इंटरेक्शन करता रहता है, ये सब चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में, सीएसआर हेड हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी।